तो दोस्तों इसलिए हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे HDFC बैंक का वीकली एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें HDFC बैंक के अंदर यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स यहाँ पर क्या होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, HDFC बैंक यहाँ पर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है, आप सभी को ये भी ये पता ही है। और अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंथ में है। PSUs के अंदर एक टॉप लेवल से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस यहाँ पर किया हुआ है। तो अब जब तक यहाँ पर HDFC बैंक क्या कर नहीं करता, 1600 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, कोई भी यहाँ पर बैंक निफ्टी में पोजिशनल सेलिंग नहीं करेगा। क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुट्स बाय करते हैं एक आध हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, ठीक है, इन द मनी के, ठीक है, फार एक्सपायरी के। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर HDFC बैंक यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ और अगर ये सस्टेन हो गया तो ये यहाँ से पूरे के पूरे मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अगर इसने 1625 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो शॉर्ट टर्म का व्यू जो है वो बुलिश हो जाएगा। कहाँ तक के टारगेट्स के लिए, ऑलमोस्ट सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा 1650, अबाउ 1650, 1675, 1680, और उसके ऊपर निकल जाते तो 1700 से लेकर 1725 तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा।